वेलकम बच्चों। तो हमने चैप्टर चालू किया है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और लास्ट टाइम हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स देखे थे, और आज भी हम और कुछ बेसिक पॉइंट देखने वाले। लेकिन लास्ट बेसिक पॉइंट के पहले क्या करते हैं, हम रिवीजन करते हैं। और बाकी यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट और भी लिखे हुए, ठीक है, और एक दो क्वेश्चंस है ताकि आपको वो बेसिक पॉइंट के जरिए इस चैप्टर में एंट्री करने के लिए कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी समझ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने इसके पहले पढ़ा है उसको हम क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, ठीक है। बाद में इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो हमारे पास है सबसे पहले हमने देखा था डिस्टेंस फार्मूला, याद करिए डिस्टेंस फार्मूला। अभी एक तरह से देखो ये रिवीजन है, एक तरह से जैसे हम क्लास में कैसे ओरल लेते हैं, हम उसी प्रकार लेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे पढ़ते जाता हूँ, ठीक है, आप वहाँ पे मन के मन में बोल दिए, ठीक है, मैं बोर्ड पे लिखते भी जाता हूँ, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या था कि अगर मान लीजिए कि दो पॉइंट्स है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ठीक है, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस समझो मैं ए बी से बताता हूँ, तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या हो जाता है, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन के लिए मान लीजिए कि ए बी एक आधा सेगमेंट है, उसको इंटरनली डिवाइड करने वाला पॉइंट है पी, तो उसके हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, याद करिए। तो फार्मूला क्या था, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन कॉमा दूसरा कोऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट, तो एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ये था हमारे पास में, ठीक है। अब यही चीज़ थी हमारे एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए सिंपली क्या करना होता है बच्चों, यहाँ पर आपको माइनस लगा देना होता है, यानी एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन, जहाँ जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस कर दीजिए। यहाँ पर हमारे पास है एम वाई टू प्लस है तो माइनस करो एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन, हम ये पढ़ चुके हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े, हमको मिड पॉइंट फार्मूला मिला, तो सेगमेंट ए बी का पॉइंट पी अगर मिड पॉइंट है तो उस पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे हमारे पास एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉइंट टू, इसके बाद वाई वन प्लस वाई टू अपॉइंट टू, यानी अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, ये पूरा क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक। थोड़ा और आगे बढ़े, वहाँ पे हमने देखा सेंट्रोइड फार्मूला, ठीक है। अब सेंट्रोइड क्या चीज़ है क्या नहीं, हमने ऑलरेडी देखा हुआ था, क्या चीज़ थी हमारे पास में कि ये ट्रायंगल था, ये उसके मेडियन, ये मिड पॉइंट होता है, ये मेडियन तीनों जहाँ पर मिलती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड। उसके जो कोऑर्डिनेट्स थे तो कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री, यहाँ पर था वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो, जितने भी बेसिक पॉइंट बच्चों हमको इस चैप्टर में एंट्री करने के लिए लगने वाले, हम उस पूरे के क्या करने वाले, रिवीजन करने वाले। तो बराबर पूरा पहले तो आप इसको, मैं ये कहूँगा कि आप इसको पॉज करो तो पहले आप पढ़ लीजिए, फिर उसको बंद करके जैसे मैं बोलते जाता हूँ तो आप भी मन के मन में बोलना शुरू कर दीजिए, ठीक है। रिवीजन भी हो जाएंगे, एक तरह से माइंड में फिट हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये था हमारे पास में, आगे बढ़ते हैं। हमने वहाँ पर और देखा था, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखी थी, ठीक है। फिर ये सेंट्रोइड हो गया था, सेंट्रोइड के बाद में हमने जो शुरुआत की थी, तो हमारी शुरुआत थी किस चीज़ के लिए, हमने इक्वेशन ऑफ लाइंस वगैरह देखा था, लेकिन उसके पहले सबसे पहले हमने क्या किया था कि स्लोप देखा था। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, कोई एक आधी लाइन, जैसे फिलहाल तो मैंने ओरिजिन से निकाली कोई कैसे भी लाइन, जो लाइन हमारे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में कोई एंगल बनाती है, समझो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते थीटा एंगल, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते तो माइनस थीटा, ठीक है। तो इसको हमने क्या कहा था, इंक्लिनेशन, इसको क्या कहा था हमने, इंक्लिनेशन कहा था, ठीक है। उसके बाद में इस लाइन का स्लोप निकालना है, समझो मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी, इसका स्लोप निकालना है, स्लोप को हमने एम से डिनोट किया था। तो फार्मूला क्या था हमारे पास में, एम इज इक्वल टू टेन थीटा, अगर आपको थीटा दिया जाए तो, ठीक है। अब इसी का दूसरा फार्मूला था कि अगर इस लाइन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट अगर दिए जाए, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो फार्मूला कौन सा था हमारे पास, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो ये चीज़ भी हम पढ़े। फिर उसके बाद में जब हमने शुरुआत की तो हम अलग अलग इक्वेशन पढ़े, उन अलग अलग इक्वेशन में सबसे पहले अगर मान लीजिए कि आपको एम और सी दिया जाए, अब एम क्या है, लाइन का स्लोप होगा, सी क्या रहता, वाई इंटरसेप्ट। अब कोई पूछेगा कि वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, तो हमारे पास एक्स है वाई है, कोई एक आधी लाइन कोई भी कैसे भी लाइन ले लो, ठीक है, जो y एक्सिस पर जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं इसके कुछ ना कुछ क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। क्योंकि ये y पर है तो इसका क्या होता है, x कोऑर्डिनेट जीरो होता है, और कोई समझो y कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास में b, तो ये जो हमारे पास b होता है इसको हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। वैसे यहाँ पर अगर वो कट करती है, ठीक है, समझो वो a कॉमा जीरो में, a कॉमा जीरो क्यों, क्योंकि x एक्सिस पर है तो y जीरो होता है, तो ये जो a होता है जो भी नंबर होगा ये, ठीक है, दैट इज़
एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर मान लीजिए कि एम और सी अगर आपको दिया जाता है, एम और सी दिया जाता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपने देखा है, फार्मूला क्या रहता है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। उसके बाद में बच्चों देखो, जैसे वहाँ पे एक पॉइंट हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको भी यहीं पे पढ़ लेते, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू क्या, ओरिजिन। जैसे ये है, हमने कहा ना अगर ऐसा है तो यहाँ पे क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट यहाँ मिलेगा, एक्स इंटरसेप्ट यहाँ पर। लेकिन अगर हमने क्या कर लिया, कोई लाइन अगर मान लीजिए कहाँ से जा रही है, वो ओरिजिन से जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट भी क्या हो जाएगा, यानी सी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे सी की बात करते, सी अगर जीरो हो गया तो सिंपली हमारे पास फार्मूला कौन सा बनेगा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, जो हमारे आज के बेसिक पॉइंट में, ठीक है, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो वाई इज इक्वल टू असल में क्या होता है, एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे सी चला जाएगा क्योंकि वो ओरिजिन से जा रहा है, वाई इंटरसेप्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर सिंपली फार्मूला बनेगा वाई इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे हमने देखा था कि हमको एक पॉइंट यानी वाई इंटरसेप्ट स्लोप दिया जाए और पॉइंट अगर दिया जाए, ठीक है, यानी वहाँ पर हो जाएगा फार्मूला कौन सा, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये चीज़ थी। आगे और बढ़ते कि अगर हमको दो दो पॉइंट अगर दिए जाए उस लाइन के ऊपर में, ठीक है, एक्स टू वाई टू समझो, ठीक, तो इक्वेशन क्या रहता, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई वन माइनस वाई टू इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू। ये हमने देखा था, ठीक। फिर उसके बाद में डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट यानी दो इंटरसेप्ट दिए, एक्स इंटरसेप्ट भी देगा, वाई इंटरसेप्ट भी देगा, ठीक है। यानी वहाँ पर जो था डबल इंटरसेप्ट के लिए, डबल इंटरसेप्ट्स, ठीक है, डबल इंटरसेप्ट्स के लिए इक्वेशन क्या था हमारे पास, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन। ये हमने देखा हुआ था, ठीक। फिर आगे बढ़े, वहाँ पर हमने और देखा, कुछ स्पेशल देखे थे, ठीक है, ध्यान में रखो ये, ठीक है, इंक्लिनेशन स्लोप इक्वेशंस अलग अलग, ये हमने देखा हुआ है, ठीक है। अब इसको सिंपली हमको रिवाइज करके आगे बढ़ना था और आज कुछ नए पॉइंट्स देखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते, जैसे हमारे पास मान लीजिए कि ये चीज़ है, ठीक, इस तरह से कोई एक आधी लाइन है, मान लीजिए कि उसके कोई यहाँ से हम परपेंडिकुलर लेते हैं, समझो परपेंडिकुलर P है, यानी क्या, परपेंडिकुलर ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन P है समझो, और कोई एक आधा इसके ऊपर पॉइंट है X और Y, ये हमने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म यानी इक्वेशन देखा था हमने, ठीक है, लाइन का इक्वेशन, तो क्या मिला था हमको, X cos अल्फा प्लस Y sin अल्फा इज इक्वल टू P था। अब बोलेंगे अल्फा क्या चीज़ है, तो ये जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस परपेंडिकुलर ने एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाया वो एंगल था, ठीक है, ये था हमारे पास में। फिर और आगे बढ़े हैं, यहाँ पर कुछ स्पेशल देखे थे, यानी सिंपल डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या था, वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, उसको उल्टा कर दो, यानी इक्वेशन ऑफ क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस इज इक्वल टू, वो क्या था हमारे पास में, एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। कोई अगर मान लीजिए कि ये x एक्सिस है, ठीक है, ये y एक्सिस है, कोई एकाधी लाइन, कोई एकाधी लाइन किसको पैरेलल दिख रही है, x को, और मान लीजिए कि वो a कॉमा b से अगर जा रही है, ठीक है, यानी हम यहाँ पे क्या बात करेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू a कॉमा b, तो वहाँ पर इक्वेशन क्या था, x को पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल टू x अगर है तो इक्वेशन क्या रहता है y के फॉर्म में, y इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट b है, सिंपली आप लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद में पैरेलल टू y एक्सिस है, कोई अगर लाइन मान लीजिए ऐसी है, ठीक है, जो किसको पैरेलल नज़र आ रही है, y को, और कौन से पॉइंट से जा रही है समझो, क्योंकि कोई ना कोई तो पॉइंट दिया जाएगा आपको, उसके कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे, ठीक है, तो ये y को पैरेलल है तो इक्वेशन किस में आता, x इज इक्वल टू, ठीक है, और उसके लिए हमारे पास में क्या होता, x कोऑर्डिनेट, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कौन है, ए है, ठीक है, तो जो भी पॉइंट है, जैसे अब मान लीजिए कि मैंने एक आधी लाइन ली, ठीक है, ये मान लीजिए कि 2,3 से जा रहे हैं, ठीक है, तो ये लाइन पी क्यू का नाम देता हूँ मैं यहाँ पर, यानी इक्वेशन ऑफ पी क्यू, इक्वेशन ऑफ पी क्यू, लाइन पी क्यू आप बोल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू, तो डायरेक्ट सबसे पहले चेक करो किसको पैरेलल है, एक्स को पैरेलल है, आंसर किस में होगा, वाई में होगा, ठीक है। सिंपली करना क्या है, वाई इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट कौन है, 3, यानी ये हो जाएगा, इसको सिंपल अगर लिखते तो आप इस तरह से लिख सकते हो, जिसको हम जनरल फॉर्म में बोल देते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्म से याद आया, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये ध्यान में रखो, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, सिंगल लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, ऑलरेडी हमारा हो चुका है लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर नाम अच्छा है लाइन,
ठीक है, लीनियर इक्वेशन मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बेटा हमने लास्ट क्लास में कवर की थी, ठीक है। अब इस क्लास में और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स और जानते हैं, ताकि हमारे मेन इस चैप्टर में एंट्री होने के पहले हम उस चैप्टर में जो भी छोटी मोटी बारीक सारीक चीज़ें आती है वहाँ पे हमको रुकना नहीं है, ठीक है। क्योंकि मराठी में कहावत है, तांबला की संपला काळ मागे लागला, ठीक है। तो ये सब होना नहीं चाहिए, तो हमको रुकना नहीं है, ठीक है। चलो अब आज जो बेसिक पॉइंट्स यहाँ पर हमको देखने हैं, ये बोर्ड पर मैंने लिखे हुए पिछले बेसिक पॉइंट्स के हमने रिवीजन कर लिए, और इस क्लास को बराबर अच्छे से इतना माइंड में फिट करके रखो, एक बार चैप्टर में एंट्री हो गए और छोटी मोटी चीज़ अगर इधर उधर से आती है तो आप वहाँ पे ये मत करो, कन्फ्यूज़न निर्माण नहीं होना चाहिए, कौन सा कि सर ये चीज़ कहाँ से है वो चीज़ कहाँ से है, क्योंकि उससे आपका नुकसान होगा, ठीक है। आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर आपका नुकसान होगा। देखो स्टार्टिंग जस्ट चैप्टर की स्टार्टिंग है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की स्टार्टिंग है, इवन हमने एंट्री भी करने की है, क्योंकि पेयर है तो डबल लाइन्स आएंगी, ठीक है। अब हम सिंगल सिंगल लाइन की इक्वेशन देख रहे हैं, फिर सिंगल सिंगल लाइन के सेपरेट इक्वेशन, उसको कंबाइन किस तरह से करना, उसका जॉइंट इक्वेशन कैसे निकालना, जिसको हम कंबाइन इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। होमोजेनियस इक्वेशन है, होमोजेनियस इक्वेशन इन सेकंड डिग्री है, मतलब बहुत सारी चीज़ें देखनी है, उनके बीच में एंगल्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इन सब के लिए हमको ज़रूरत है ये बेसिक पॉइंट्स की, ठीक है। कुछ हुए कुछ अभी हम देख रहे हैं, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, सबसे पहले जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर इंटरसेप्ट की बात करते हैं सी, y इंटरसेप्ट सी है, ठीक है, और अगर स्लोप दिया है m, तो फार्मूला क्या था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो स्टार्टिंग में देखा था हमने, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, लेकिन ये लाइन ओरिजिन को छोड़कर कहीं और से जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे y इंटरसेप्ट आपको दिखेगा, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए कि ओरिजिन से जा रही तो y इंटरसेप्ट जीरो हो जाएगा, इसलिए c को हटा दो तो बचेगा क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन, ध्यान में रखना, अब फिक्स करके रखो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन अगर है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एक्स, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि y इज इक्वल टू, जैसे आप इसका ग्राफ भी निकाल कर देख सकते हैं, समझो मेरे पास है y इज इक्वल टू 2x है, समझो y इज इक्वल टू क्या है 2x है, आप फटाफट क्या करेंगे इसके ग्राफ निकालेंगे। अगर मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 1 ली, ठीक है, तो y क्या हो जाएगा 2, x को अगर 2 लिया तो y क्या होगा 4, x को अगर मान लीजिए कि 3 लिया, ठीक है, तो y हो जाएगा 6। आप ये पॉइंट को प्लॉट करो, 1.2 करीबन यहाँ आएगा, 2.4 करीबन यहाँ आएगा, और 3.6 करीबन यहाँ, ठीक है। अब इसको अगर बराबर चेक करेंगे तो वो कहाँ से जाएगी, अच्छा ये मत पूछो कि सर ये कोऑर्डिनेट्स से यानी इक्वेशन से वो लाइन को ड्रॉ कैसे करते, ग्राफ पर कैसे निकालते, बेटा ये हमारा 8, 9, 10 क्लास में हो चुका है, ठीक है। इसके लिए आप डायरेक्ट किसी एक वेरिएबल जो भी है, वाई इज इक्वल टू 2x है, तो x को या फिर y दोनों में से किसी एक को क्या अपने मन से ले लेते, कोई भी वैल्यू उसे y के निकालते, यानी हमको 2-3 पॉइंट्स मिलते हैं, इवन तो अपने 2 पॉइंट्स निकाले तो भी काम चल जाता, ठीक है, 3 की ज़रूरत नहीं है, और उनको अगर जोड़ दो तो आपको इक्वेशन से लाइन मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये स्पेशली कहाँ से जा रही है, हमारे ओरिजिन से जा रही है, ठीक है। इसलिए अब इसमें देखो सिंपल क्या था हमारे पास में, y इज इक्वल टू 2x था, प्लस c यानी प्लस कोई नंबर, प्लस माइनस में कोई नंबर नहीं था, अगर प्लस माइनस में एक आधा भी नंबर आ जाता तो वो ओरिजिन से जाती नहीं है, ये आपने ऑलरेडी बहुत बार ग्राफ प्लॉट कर देखा हुआ है, ठीक है। सो ध्यान में रखना कि अगर सिंपल इतना आ गया, जैसे अगर y इज इक्वल टू 5x है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, y माइनस टू एक्स इज इक्वल टू 0, तो समझ जाओ कि ये क्या हमारे पास में इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, क्योंकि y है 2x वाला है, ठीक है, प्लस सी यानी कोई नंबर वाला यहाँ पे कोई भी टर्म दिखता नहीं है, ठीक है। तो समझ जाओ कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो पासिंग थ्रू क्या रहने वाला है, ओरिजिन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब जैसे कि हमारे पास जनरल इक्वेशन हमने देखा हुआ है, क्या है जनरल इक्वेशन, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब यहाँ पर देखो क्या है, गिवन लाइन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन को एक नई तरीके से कैसे निकालते हैं, जैसे हमारे पास में मान लीजिए कि इसी लाइन के ऊपर में 2 पॉइंट अगर दिए जाए, ठीक है, तो फार्मूला क्या है, यम इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये हमारे पास फार्मूला है। अगर मान लीजिए कि इंक्लिनेशन दिया लाइन का, तो फार्मूला है टैन थीटा, ठीक है, लेकिन मान लीजिए वो पॉइंट्स हमको नहीं मालूम, उसके बाद में हुआ इंक्लिनेशन भी नहीं मालूम, सिंपली उसने इक्वेशन ऑफ लाइन अगर दे दिया, ठीक है। सो ध्यान में रखो बच्चों, अब हमारे पास स्लोप निकालने का एक और तरीका है, सिंपली यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट को, x का कोएफिशिएंट कौन है,
ए है और वाई का कोएफिशिएंट कौन है, बी है। इसी से आप क्या कर सकते हो, स्लोप निकाल सकते हो। सिंपल क्या करना है, क्या फार्मूला है, माइनस ए अपॉन बी, ठीक है, माइनस ए अपॉन बी, यहाँ पे जो भी होगा वो वैल्यूज रख दो, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास है 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये लाइन है समझो, ठीक है, ये लाइन है। इस लाइन का स्लोप अगर निकालना है, ठीक है, तो इसको कंपेयर कर लो, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a कौन होगा 3, b कौन होगा 2, ठीक है। फार्मूला क्या है, माइनस a अपॉन b, मतलब माइनस यहाँ पर होगा 3 अपॉन b की वैल्यू क्या है 2, तो ये होगा आपका स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। सिंपली जो इक्वेशन दिया उससे स्लोप निकालने का तरीका, माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, ठीक है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x कौन होगा a और कोएफिशिएंट ऑफ y यानी b, लेकिन माइनस में, जैसे यहाँ पे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया 3, कोएफिशिएंट ऑफ y क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो आंसर होगा m इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन देने से, ठीक है, स्लोप निकालना, इंक्लिनेशन दिया तो निकाल सकते हैं, हम पढ़ चुके हैं, दो पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर दिए तो भी स्लोप निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लाइन का इक्वेशन दिया है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक, यानी माइनस ए अपॉन बी, सिंपल ध्यान में रखो, ठीक है। अब आगे बढ़ते दूसरा पॉइंट है, यानी ये हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ लाइन है, यम इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, अगर ये इक्वेशन है तो, फिर उसके बाद एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये इक्वेशन आपको दिया है, इसका आपको एक्स इंटरसेप्ट निकालना या फिर वाई इंटरसेप्ट निकालना, तरीका कौन सा है हमारे पास में कि इस लाइन का क्या करो, ग्राफ निकालो, जैसे भी है, समझो एग्जांपल कि इस तरह से ग्राफ आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटरसेक्ट करेंगे ये पॉइंट्स है, ठीक है, आप वाई इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं और ये पॉइंट्स है आप क्या निकाल सकते हो, एक्स इंटरसेप्ट, तो ये सब मशक्कत करने की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल इक्वेशन दिया है ना आपको, ठीक है, इक्वेशन से एक्स इंटरसेप्ट का फार्मूला क्या है, माइनस सी अपॉन ए, माइनस सी अपॉन ए, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस सी, ठीक है, तो सी क्या है माइनस वन, तो उसमें वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। जैसा फार्मूला क्या है, एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, तो एक्स इंटरसेप्ट का फार्मूला माइनस सी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस सी, यहाँ पे कौन है खुद माइनस वन है, तो माइनस वन अपॉन ए क्या है 3, सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ पर 1/3 आ जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट। उसी प्रकार y इंटरसेप्ट अगर निकालना है तो माइनस सी अपॉन बी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस सी अपॉन बी, तो माइनस सी की वैल्यू फिलहाल क्या है माइनस वन है, b की वैल्यू क्या है 2 है, तो आंसर होगा 1/2, ठीक है। यानी यहाँ से आप ये ग्राफ वगैरह निकालने की जरूरत नहीं, माइनस डायरेक्ट आप x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, स्लोप वगैरह आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। फार्मूला ध्यान में रखना स्लोप का, x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी, ये ध्यान में रखना, और स्लोप का फार्मूला तो माइनस सी अपॉन बी ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते, मान लीजिए कि हमारे पास में दो लाइंस है, ठीक है, तो दो लाइंस के क्या होंगे, अलग अलग स्लोप्स होंगे, ठीक है, दो लाइंस है तो उनका इंक्लिनेशन भी अलग होगा, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे निकाल के बताता हूँ, ये दो लाइन है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई एखादी ऐसी लाइन है, कोई एखादी ऐसी लाइन है, ठीक है, अब डिपेंड करता है, ठीक है, कि कोई पैरेलल है, कोई परपेंडिकुलर है, ठीक है, इनके अलावा कुछ है तो हम डायरेक्ट इक्वेशन से निकाल सकते हैं, तरीके हमारे पास, थीटा दिया जाए तो, दो पॉइंट दिया जाए तो, अब तो इक्वेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि दो लाइनें, ठीक है, दो लाइन के स्लोप्स क्या है, m1 और m2 है, तो इनके बीच में आपसी रिलेशन ध्यान में रखना, ठीक है, क्या है, दो लाइन्स है, पहले लाइन का स्लोप है m1, दूसरे लाइन का स्लोप है m2, ठीक है, तो ध्यान में क्या रखेंगे, लाइन्स पैरेलल है, ध्यान में रखो, लाइन्स अगर पैरेलल है तो स्लोप क्या रहेंगे, सेम, यानी m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल, लाइंस पैरेलल, स्लोप सेम, लाइंस पैरेलल, स्लोप सेम, m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है। दूसरा, यानी यहाँ पर मान लीजिए कि इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, अगर ये दोनों, देखो उल्टा भी बोल सकते हैं आप, स्लोप्स अगर सेम है मतलब लाइंस पैरेलल है, देखो लाइंस पैरेलल मतलब स्लोप सेम, उल्टा करेंगे स्लोप सेम मतलब लाइंस पैरेलल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल्स, अब वो पूरा कंप्लीट ध्यान में रखो, कौन सा, लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के दोनों स्लोप जो होंगे वो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल्स होंगे। जैसे अगर पहली का स्लोप क्या है m1, दूसरे का है m2, अगर ये लाइंस परपेंडिकुलर है, लाइंस क्या है परपेंडिकुलर, तो रिलेशन कैसा, जैसे m1 निकालना है तो क्या होगा, नेगेटिव सेकंड का रेसिप्रोकल ले लेना, m2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, m2 अगर निकालना है तो निगेटिव फर्स्ट का क्या करेंगे, m2 निकालना है तो फर्स्ट का क्या करेंगे आप, रेसिप्रोकल, ठीक है। यानी सिंपल ऐसा ध्यान में रखो, लाइन परपेंडिकुलर है तो निगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो m1 इज इक्वल टू माइनस
वन बाई एम टू, एम टू इज इक्वल टू माइनस वन बाय एम वन, ठीक है, ये ध्यान में रखो। फिर उसके बाद में क्या है कि दो लाइन्स है उनके बीच में कोई अगर एक आधी ऐसी लाइन है समझो, ठीक है, इनके बीच में कोई एंगल है, एक्यूट एंगल निकालना है, तो एक्यूट एंगल बिटवीन द स्लोप बाय यूजिंग द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन, सॉरी, बाय यूजिंग द स्लोप्स, ठीक है। तो फार्मूला क्या ध्यान में रखेंगे, टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन इंटू एम टू, और इसको क्या किया हमने मॉडुलस में डाल दिया ताकि जो भी हमारा पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो बाहर आने के बाद में पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन स्लोप से कैसे निकालना, तो टैन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्या बोलेंगे, यम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस यम वन एम टू, कंडीशन ध्यान में रखना कि यम वन एम टू, ठीक है, सॉरी यहाँ पर नॉट इक्वल टू चाहिए, ये नॉट इक्वल टू वन, ठीक है, इक्वल टू वन नहीं चाहिए, नॉट इक्वल टू वन, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अगर नॉट इक्वल टू वन अगर माइनस वन आ गया तो माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, जीरो अगर आ गया नॉट डिफाइंड, टेन नॉट डिफाइंड होता कहाँ पर, हमारे 90 पर, ठीक है, यानी वो परपेंडिकुलर्स हो जाएंगे, ठीक। तो फिलहाल एक्यूट एंगल चाहिए था, 90 से कम चाहिए, तो ध्यान में रखो टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन इंटू एम टू, ठीक है, और एम वन इंटू नॉट इक्वल टू माइनस वन आगे है, ठीक है। फिर क्या कहा उन्होंने, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम, देखो क्या जो भी है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है, टू द लाइन, देखो हमारे पास में लाइन दी है समझो, ये लाइन है, ठीक है, इसका कोई इक्वेशन समझो, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर कोई पॉइंट है समझो, पॉइंट पी है हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स वन वाई वन, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करो, इसके ऊपर में परपेंडिकुलर डाल दो समझो, पी क्यू परपेंडिकुलर टू लाइन यम है, ठीक है, क्या बोलेंगे, पी क्यू परपेंडिकुलर टू लाइन एल, अगर ऐसा है, ठीक है, तो उनके बीच में जो यानी परपेंडिकुलर है उसकी जो लेंथ निकालनी है समझो, मैं नाम देता हूँ डी, ठीक है। तो फार्मूला ध्यान में रखना, डी इज इक्वल टू क्या है, अब देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये एक्स का कोऑर्डिनेट, ये वाई का कोऑर्डिनेट, ठीक है, और पॉइंट कौन सा दिया है, एक्स वन वाई वन, तो आप सिंपल क्या करो, ए इंटू एक्स वन करो, बी इंटू वाई वन करो, ठीक है। तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, ठीक है, क्या ध्यान में रखेंगे, डिस्टेंस का फार्मूला, मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर दीज आर दी कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, उसके वो कोएफिशिएंट है, क्या ध्यान में रखेंगे, डिस्टेंस का फार्मूला ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो उस पॉइंट का गिवन लाइन से, ठीक, ये ध्यान में रखो। आगे बढ़ते हैं, इन सबको बच्चों देखो यहाँ पे ऑलरेडी जो यहाँ पे नोट्स के रूप में लिखा है एक्सप्लेन करते चल रहे हम, ठीक है, यहाँ पर उसके बाद में आप इसको क्या करेंगे, अच्छे से डायरी में नोटबुक में मेंटेन करके रखो ताकि बार बार पढ़ने के लिए हमको अलग अलग कहाँ पे लिखा है, क्या कौन से पेज पे, देखो डायरी में लिख के रखेंगे तो पूरा का पूरा स्टार्टिंग से डायरी के पेजेस पलटाते जाओ तो आपको मिल जाएगा, नोटबुक में होंगे तो कौन से पेज पे क्या है ये देखने में हमको दिक्कत होती है। हाँ, आप इंडेक्स अगर बनाते हो तो अच्छी बात है। देखो फिर टू लाइन्स, मान लीजिए कि जैसे हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब मुझे दो लाइन लेने हैं तो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, ए वन बी वन सी वन, यानी पहली लाइन का इक्वेशन है जिसको मैं नाम देता हूँ यू, ठीक है, दूसरे लाइन का इक्वेशन समझो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर लाइन्स अगर पैरेलल आती है, देखो स्लोप से जाएंगे पैरेलल लाइन के लिए स्लोप सेम, परपेंडिकुलर लाइन के लिए नेगेटिव में रेसिप्रोकल। अगर मान लीजिए कि स्लोप ना निकालते हुए समझो डायरेक्ट कोएफिशिएंट से अगर काम करते हैं हम, तो लाइंस दो लाइंस है यू और वी, यू इज इक्वल टू दिस एंड वी इज इक्वल टू दिस, तो लाइंस अगर पैरेलल है तो ध्यान में रखना कंडीशन कौन सी होंगे, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, यानी अगर मान लीजिए कि दो इक्वेशन दी है आपको लाइंस के और वो लाइंस पैरेलल है कि नहीं ये अगर चेक करना है तो सिंपल तरीका कौन सा है कि रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स को आप क्या करो रेशो लो, उनकी वैल्यू अगर सेम आती है तो लाइंस पैरेलल, यानी ए वन अपॉन ए टू निकालो बी वन अपॉन बी टू निकालो, दोनों अगर सेम है तो लाइन समझो पैरेलल, या फिर लाइंस पैरेलल है तो ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, वो ध्यान में रखना, ठीक। आगे अगर लाइंस मान लीजिए परपेंडिकुलर है, ठीक है, लाइंस क्या है परपेंडिकुलर, तो रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट के प्रोडक्ट की सम जीरो होगी, ठीक है। रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट यानी क्या, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ का एक्स, तो इनका मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट ए वन ए टू, ठीक है, प्लस वाई के लिए क्या हो जाएगा बी वन बी टू, ठीक है, तो इनकी सम क्या होनी चाहिए जीरो, यानी ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू इज इक्वल टू जीरो, ध्यान में रखो आप, ठीक। चलो और
यहाँ पर कुछ क्या किए हमने, कुछ एग्जांपल्स लिए, एकदम इजी इजी एग्जांपल्स, ठीक है, ताकि हमको अगर मान लीजिए कि इक्वेशन अगर फाइंड करना है तो उसको कैसा फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास में आज के और कुछ थोड़ा सा बेसिक चैप्टर में एंट्री करने के पहले के, ठीक है, उसके बाद में जब हम चैप्टर में एंट्री करेंगे तो नए नए टॉपिक्स तो उसमें देखेंगे। अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, देखो क्वेश्चन के रूप में दिए, फाइन इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको समझते हैं। फाइन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू कहाँ से जा रही है, 2, 3, यानी ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है, आप उसको x1 y1 बोल सकते हो, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, यानी ये जो लाइन है इस लाइन को रिक्वायर्ड लाइन क्या है, परपेंडिकुलर, तो रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो चलो पहले को हम क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं किस तरह से, तो पहले गिवन लाइन लिख लेते हैं, ठीक है, गिवन लाइन क्या हमारे पास, गिवन लाइन है 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब गिवन लाइन बोलो या फिर इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन आप लिख सकते हो, तो ये गिवन लाइन है और हमको जो लाइन चाहिए वो लाइन इसको क्या है, परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से जा रही है, ठीक है, ध्यान में रखो 2, 3 दिस विल बी दी x1 y1 आप लिख सकते हो उसको। तो अब यहाँ पर दी हुई लाइन ये है और इसको रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर है, तो करेंगे क्या, तो हमारे दिमाग में रहना चाहिए क्या है यहाँ पर, कि दो जो लाइन है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है मतलब उनके जो स्लोप की बात करते हैं नेगेटिव में रेसिप्रोकल हो जाएंगे, नेगेटिव में रेसिप्रोकल, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका स्लोप निकालते और इसको नेगेटिव में रेसिप्रोकल लेंगे तो हमको रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप मिल जाएगा, और उसके बाद एक पॉइंट दिया है यानी स्लोप और एक पॉइंट, उससे हमारा रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन होगा। तो पहले इसका स्लोप निकालते हैं, अब इसका स्लोप निकालने के लिए आप यहाँ चले जाओ, माइनस ए अपॉन बी है, यानी क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ, क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, समझो एम है, फार्मूला क्या रहता हमारा, माइनस ए अपॉन बी, तो माइनस ए यानी कौन, एक्स के साथ जो है, अपॉन बी यानी कौन, जो वाई के साथ है, यानी क्या हो जाएगा, -3/2। अब बोलेंगे यहाँ पर क्या, एज रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, वो गिवन लाइन को क्या है, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों के स्लोप की अगर बात करते हैं तो क्या होंगे, नेगेटिव में रेसिप्रोकल, ठीक है। तो मान लीजिए सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है, तो मैं उसको नाम दे देता हूँ m1, नाम क्या देता हूँ समझो, m1 इज इक्वल टू, फार्मूला क्या रहता, नेगेटिव में दूसरे का रेसिप्रोकल, तो नेगेटिव में रेसिप्रोकल यानी 1/, इसका नाम क्या है, m, ठीक है, या फिर आप उसको m1 इसको m2 नाम दे सकते हो, ठीक, वैल्यू रखो, तो ये -1/m देखो क्या है, खुद -3/2 है, ठीक, इसीलिए यहाँ पर m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 2 पर चला जाएगा यानी 2/3 हो जाएगा। अब आपके पास क्या है, ये स्लोप है रिक्वायर्ड लाइन का और इस पॉइंट से वो जा रही है, तो हम निकाल सकते हैं, यानी क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, तो फार्मूला क्या होगा, हमने देखा हुआ है अभी, रिविजन भी की उसकी, क्या है फार्मूला, वन पॉइंट यानी x1 y1, ठीक है, और क्या है, स्लोप m, तो फार्मूला बन जाता हमारे पास में y-y1 इज इक्वल टू mx-x1, ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप m1 से डिनोट किया है, आप यहाँ पे m1 शब्द डाल दो, ठीक है, यानी क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू कौन, यहाँ पे लिख दो, पासिंग थ्रू कौन सा है, यहाँ पर 2, 3 है, 2, 3, यानी मैं इसी को बोल देता हूँ x1 y1, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, y-y1 इज इक्वल टू m1 x-x1, पहले रखो y, तो ये आपके पास हो गया y-y1, तो यहाँ से देखो y1 हो जाएगा हमारा 3 इज इक्वल टू m1, तो m1 क्या है, 2/3 है, इसको यहाँ पे लेते, और x-x1, तो x1 कौन हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंपली सॉल्व करो, तो 3 से इधर मल्टीप्लाई करो, तो ये 3y-9, 2 से इधर करो तो 2x-4 हो जाएगा, ऐसा देखो सिंपली 3 से मल्टीप्लाई किया इधर 2 से, अब उसको उधर लेके जाओ, ये 2x को मैं पहले लिखता हूँ, 2x, 3y को लेके जाओ तो -3y, ऑलरेडी -4 है, ये -9 उधर जाएंगे तो +9 होगा इज इक्वल टू 0, ठीक है, और इसीलिए क्या होगा, 2x-3y-4, ठीक है, +9 ये बन जाएंगे 5 इज इक्वल टू 0, यानी आपका रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन क्या हो गया,
2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, सिंपली आपको क्या है, जो भी इक्वेशंस है, अलग अलग तरीके हमारे पास है, अलग अलग इक्वेशंस है, ठीक है, उनमें जो जो डेटा लगता है वो डेटा अगर हमको मिल गया तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन, पहले इक्वेशन ऑफ लाइन, फिर उसके बाद में हम कंबाइंड इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, सेकंड देखो, तो सेकंड में क्या कहा उन्होंने, वो चीज़ देख लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, देखो यहाँ पर दिया है -1, 2, ठीक है, एंड पैरेलल टू लाइन, लाइन पैरेलल, स्लोप सेम, लाइन पैरेलल, स्लोप सेम, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो यहाँ पर भी वैसा ही करेंगे, ये गिवन इक्वेशन हो गया, यहाँ पर गिवन लाइन लिखेंगे, क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, गिवन लाइन। ठीक है, चलो बताओ क्या है गिवन लाइन, x प्लस 3y माइनस 1, एक्स प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो पट से इसका स्लोप निकाल दो, तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, ठीक, तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन है, मैं इसको m से बता देता हूँ, फार्मूला फिर से, माइनस a अपॉन b, तो माइनस a यानी 1 अपॉन b यानी क्या हो जाएगा 3। इसके बाद पूरे के पूरे फार्मूले याद करके ही रखो, याद नहीं करेंगे तो चैप्टर में एंट्री हो जाएंगी, चैप्टर आगे आगे बढ़ेगा और वहीं पे रुक जाएंगे आप। ठीक है, वैसा मत करो। तो m इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास है एज रिक्वायर्ड लाइन, हम लिखते हैं यहाँ पर एज रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है, क्या है, पैरेलल टू गिवन लाइन है, पैरेलल टू गिवन लाइन, अगर ऐसा है तो स्लोप सेम होते हैं, अभी देखा हमने लाइंस पैरेलल, स्लोप सेम। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप समझो, m यहाँ पे लिख देते हैं, सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है, तो नाम देता हूँ मैं उसको m1, और दूसरे लाइन का स्लोप उसके साथ सेम रहेगा, तो उसका नाम क्या लिया हमने, m, इसलिए m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/3 हो गया। अब हमको इक्वेशन चाहिए, सो क्या बोलेंगे हम, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू, वो लाइन कहाँ से जा रही है, पासिंग थ्रू, चेक करो, पासिंग थ्रू, तो पॉइंट दिया है -1, 2, पासिंग थ्रू -1, 2, इसी को नाम देते हैं हम x1, y1, फिर से फार्मूला क्या होगा, तो y-y1 इज इक्वल टू mx-x1, लेकिन यहाँ पर नाम दिया हमने m1। ठीक, तो चलो वैल्यू रखते हैं, y-y1 है 2, m1 देखो, तो यहाँ पर m1 है -1/3, x-x1 खुद कौन है, -1, ठीक है, ये कर देते, सॉल्व करो, 3 से इधर मल्टीप्लाई, तो 3y-6 इज इक्वल टू, ये -1 है, साइन चेंज करो। ठीक है, तो यहाँ पर x का हो जाएगा -1, 1x, ठीक है, अच्छा ऑलरेडी ये माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन बाहर के माइनस के कारण -1। ठीक है, चलो अब यहाँ पर x को ट्रांसफ़र करो, तो x ऑलरेडी 3y है, -6 है, -1 अगर इधर है तो +1 होगा, इज इक्वल टू 0, सो x प्लस 3y, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, -5 आएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ क्या है, रिक्वायर्ड लाइन है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास में जो थोड़ा सा बेसिक हमको इस चैप्टर के लिए, यानी जो चैप्टर हम शुरुआत करने वाले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसकी जो शुरुआत करने के लिए उसके लिए जब को, या फिर उस चैप्टर में छोटी मोटी चीज़ें जब आती है बेसिक लेवल पर, तो ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में और इस क्लास में कवर की है। ठीक है, अब आप क्या करो, इसका अच्छे से स्टडी करो, माइंड में पूरे के पूरे फार्मूले बोलो, जो भी कंसेप्ट वगैरह है वो पूरा फिट करके रखो, ताकि आपको कुछ भी नए कंसेप्ट पढ़ते समय परेशानी ना हो। ठीक है, हो सके तो वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, आपके शेयर करने भर से आपके साथ साथ औरों को भी इस वीडियो का, इस क्लास का फ़ायदा होगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में, टिल देन बाय।